नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोबी इनडिज़ाइन के अंदर किसी भी शेप में चार तरीके से आप कलर फिल कर सकते हैं, फोर वेज टू फिल एनी शेप्स, कलर से आप फिल कर सकते हैं चार तरीके। तो ये आप एडोबी इन डिज़ाइन का, चाहे वो पुराना वर्सन हो चाहे नया वर्सन हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक शेप, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एडोबी इन डिज़ाइन खुला हुआ है। अगर हम लोग टूल बॉक्स में नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल टूल है, इस पर अगर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नॉर्मल से इस तरह का एक हम लोग शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल टूल से मैंने इस तरह का एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ फिल करने का, इस शेप को फिल करना है, इस ऑब्जेक्ट को फिल करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप टूल बॉक्स में चले जाइए, ये है आपका टूल बॉक्स, इस तरह से लंबा सा आपको दिख रहा होगा। तो नीचे देखिएगा यहाँ पर, ठीक ये जूम टूल के ठीक नीचे दो आपको इस तरह का आपको एक लाइन क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, ये फिल के लिए, ये है आपका स्ट्रोक के लिए। अगर इस तरह का आपको टूल बॉक्स पूरा लंबा दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप ऊपर जो बटन है इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह दो दो टूल्स करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो टूल है ऊपर और फिल के लिए, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह का कलर पिकर का एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ से जो भी आप कलर चाहें तो यहाँ से आप इसको ड्रैग, ये आपको इस तरह का क्रॉस दिखाई दे रहा है, ये बटन है कलर चूज़ करने का, कलर पिकर का काम करता है। जैसा आपको जहाँ पर भी जिस तरह का चाहिए आपको कलर, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर यहाँ से चूज़ कर लिया मैंने, करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ देखिए यहाँ पे कलर मेरा फिल हो गया। तो ये है पहला तरीका, यहाँ से टूल बॉक्स से आप कलर फिल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा तरीका, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा तरीका जो है वो आपका, देखिए यहाँ पर जो मेनू बार है यहाँ पे ठीक नीचे ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं, कोई कोई इसे कंट्रोल बार भी बोलता है। तो इसके माध्यम से आप फिल कर सकते हैं। अब कहाँ से, अगर ये नहीं है आपके यहाँ पे तो विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिए कंट्रोल का ये टिक किया हुआ, मतलब इसका मतलब ये ऑन है। अगर मैं ऑफ़ कर देता हूँ ये चला गया। फिर से लाने के लिए विंडो में जाएंगे, कंट्रोल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बार यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो आपको इस तरह का एक फिल दिखाई देगा प्लस स्ट्रोक दिखाई देगा। तो ऊपर वाला जो बटन है फिल के लिए है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बटन में एक छोटा सा एरोनुमा बटन दिखाई देगा, यहाँ से भी आप कलर जो चाहिए क्लिक कर दीजिएगा, फिल हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका रहा आप कंट्रोल पैनल से फिल करने का। तो यहाँ से पहला तरीका आपने देखा टूल बॉक्स से, दूसरा आपने कंट्रोल पैनल से देख लिया। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरे तरीके कैसे फिल करेंगे, तो ये सिलेक्ट, आप ये तो जो भी शेप रहे उसे सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद यहाँ पे जो मेनू बार है, यहाँ विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिए विंडो में आने के बाद यहाँ पे देखिए कलर है, तो कलर के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट भी दिया है F6, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक पैनल, इस तरह का डायलॉग बॉक्स इस तरह का खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए कलर है, यहाँ से आप कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कलर, यहाँ पे अगर कलर ये पसंद नहीं है, मतलब जो कलर यहाँ पे फिल रहेगा वो कलर यहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो बटन है कलर का, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, सेम उसी तरह कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब जो आपको कलर चाहिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ग्रीन चाहिए ग्रीन चूज़ कर लीजिए, ग्रीन का जैसा सेट चाहिए यहाँ से चूज़ कीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर फिल हो गया। तो ये है आपका तीसरा तरीका। अब आते हैं हम लोग चौथा तरीका पे, दिखाता हूँ फोर्थ वे। तो यहाँ पे विंडो में जाइए, उसके बाद यहाँ कलर में जाइए, कलर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्वाचेज है, ये शॉर्टकट है F5, इस पर क्लिक कीजिए, स्वाचेज का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ से जो कलर है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए कलर फिल हो गया। तो ये चार तरीके हैं सिंपल तरीके किसी भी शेप में फिल करने का। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से दिखा देता हूँ मैं। इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, ये जो फिल है यहाँ पे एडिट में जाते हैं, यहाँ से क्लियर कर दिया। सबसे पहले एडोबी इन डिज़ाइन को ओपन कीजिए और ये जो टूल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से कोई सा भी एक शेप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से जैसे एलिप्स टूल है जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और नॉर्मल सा सर्कल में फिल करना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए सर्कल जब भी ड्रॉ कीजिएगा कोई भी शेप, तो ब्लैंक आता है, इस तरह दिखाई देता है, सिर्फ आउटलाइन आपको पतला सा दिखाई देगा। अब सवाल उठता है इसमें फिल करना है। सबसे सिंपल तरीका है, ये टूल बॉक्स में चले जाइए। अगर टूल बॉक्स इस तरह दो दो टूल्स नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे बटन है, देखिए यहाँ पे इस तरह कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ फिल का देख बटन दिया हुआ है, यहाँ फिल है, ये फिल करने के लिए, दूसरा वाला आउटलाइन के लिए। तो अगर इस तरह आपका टूल बॉक्स आ रहा है, इसको यहाँ पे ऊपर बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो दो दो करके आपका टूल्स यहाँ पे शो करेगा।
तो सबसे पहला वाला ये वाला देखिए, हैंड टूल जूम टूल, इसके ठीक नीचे ये जो बटन है फिल के लिए, इस पर डबल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का कलर पिकर आ जाएगा, यहाँ से आपको कलर जो पसंद है क्लिक कीजिए, चूज़ कीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कलर फिल हो गया, ये है पहला तरीका। अब आते हैं हम लोग दूसरा तरीका। दूसरा तरीका जो है वो आपका यहाँ पे ये जो मेनू बार है ठीक नीचे ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए फिल के लिए या आउटलाइन के लिए, तो यहाँ पे देखिए फिल, यहाँ पे कर्सर रखिएगा शो करेगा फिल टू अप्लाई, ड्रैग टू अप्लाई, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से जो आपको कलर है क्लिक कर दीजिए, ये देखिए कलर फिल हो गया। तो ये है आपका दूसरा तरीका। अब आते हैं हम लोग तीसरे तरीके में। तीसरा तरीका जो है वो आपका जो विंडो का ये जो मेनू बार है, विंडो में जाइएगा, यहाँ पे कलर है, कलर से यहाँ पे कलर पे क्लिक कर दीजिएगा, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ कलर वाला ऑन रहेगा। अब यहाँ से जो कलर आपका फिल किया हुआ यहाँ पे वो कलर शो कर रहा होगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, सेम उसी तरह कलर फिकर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जो कलर चाहिए क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए, कलर देखिए फिल हो गया। ये है तीसरा तरीका। अब आते हैं हम लोग चौथा तरीके में। चौथा तरीका जो है वो आपका विंडो में जाइएगा, यहाँ पे कलर है, कलर में जाने के बाद स्वाचेस है, ये ऑलरेडी ऑन है, इस पर मैं ऑफ़ कर देता हूँ, फिर से लाता हूँ। विंडो में गया, कलर में गया, यहाँ पे स्वाचेस पे क्लिक कीजिए, स्वाचेस का इस तरह का पैनल खुल जाएगा। अब यहाँ से जो कलर है आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। तो ये चार तरीके बताया मैंने, किसी भी शेप में आप फिल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं एडोबी इनडिज़ाइन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।